बेटा देखिए, कल हमने स्टार्ट किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्लास फर्स्ट थी ये हमारी, क्लास सेकंड है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्लास सेकंड। बेटा कल मैंने आपको ये बताया था कि एरर हम रेक्टिफाई तब करेंगे जब हमें एरर मिलेगी। तो एरर कब मिल सकती है? एक तो एरर आपने अभी तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है तभी मिलेगी, बिफोर ट्रायल बैलेंस। दूसरा बेटा, आपने ट्रायल बना लिया, आपने ट्रायल बना लिया ठीक है, लेकिन अभी तक बैलेंस शीट नहीं बनाई है। ट्रायल बनाते पता लग गया आपको, क्योंकि ट्रायल में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया बेटा। तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर बैलेंस शीट, ये सेकंड था। और थर्ड था कि बैलेंस शीट भी बन गया, आपको नहीं पता लगा, अगले साल जाके पता लगा, अरे ये तो ये गलती हुई। जैसे हम किसी मैरिज में जा रहे हैं, कोई सामान चाहिए नहीं मिल पा रहा, फटाफट में हड़बड़ करके ढूंढ रहे हैं, फिर कुछ दिनों बाद अच्छा ये यहाँ पड़ा था, समझ रहे, मतलब नेक्स्ट ईयर में पता लग रहा है कि ये गलती थी। ये तो तीन बताए थे आपको एरर कौन से स्टेप पे फाइंड हुई, फर्स्ट पे हुई या सेकंड स्टेज पे या थर्ड स्टेज पर। जिस स्टेज पर मिलेगी उसी स्टेज पे हम उसे रेक्टिफाई कर देंगे। उसके बाद मैंने बताया था बेटा एरर दो टाइप की होती है, वन साइडेड और टू साइडेड। मतलब एक में गलती है डेबिट या क्रेडिट में तो वन साइडेड है ठीक है, दोनों में गलती है तो टू साइडेड है। एक बार फिर मैंने आपको ये बताया था बेटा एरर जो है वो कितने टाइप की होती है। नंबर वन ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटरी और प्रिंसिपल एरर, चार। फिर मैंने आपको ये बताया था कि बेटा ओमिशन, कमीशन और कंपनसेटरी को क्लेरिकल एरर भी बोलते हैं ठीक है, और प्रिंसिपल एरर अलग होती है। ये हमने डिस्कस किया था कल की क्लास के अंदर। सर आज आज बेटा रेक्टिफिकेशन करना सीखेंगे, आज की क्लास में हम रेक्टिफिकेशन करना सीखेंगे। प्लीज आप एक थोड़ा सा पेशेंस रखना, हो सकता है कई बच्चों को चैप्टर कुछ पता हो तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा लॉजिकल कराऊंगा, ध्यान से सुनना। मैं सबसे पहले बेटा आपको ये बता रहा हूँ कि बिफोर ट्रायल बैलेंस, क्या बेटा बिफोर और ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस कितनी एरर होती हैं? दो, वन साइडेड या। तो सबसे पहले मैं आपको वन साइडेड बताऊंगा कैसे रेक्टिफाई करते हैं, टू साइडेड नहीं बताऊंगा, क्या बताऊंगा, वन साइडेड ठीक है। और वो बहुत आसान है और एग्जाम पर्पज से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए बात ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपके कोई मिस्टेक हो गई, क्या हो गई बेटा, मिस्टेक हो गई, उसको फाइंड करना है। इसमें नॉर्मली क्या होता है, बुक में दिखा देता हूँ आपको, लिखवाया तो नहीं था मैंने कल आपको, नहीं लिखवाया कुछ, हाँ पहले वो लिखवा, लिखो बेटा, लिखवाया नहीं। बेटा ये नहीं बताएंगे अपने कि पोस्टिंग के टाइम क्या हो सकता है, पोस्टिंग के टाइम ये हो सकता है कि आपने पोस्टिंग नहीं की, ये हो सकता है पोस्टिंग एक लेजर में की दूसरे में नहीं की, तीसरा ये हो सकता है लेजर में की लेकिन अमाउंट गलत लिख दी ठीक है। तो ये तो बताइए, कुछ भी गलती हो सकती है। तो मेनली अपने से ना डेफिनेशन पूछ सकता है, तो डेफिनेशन लिखो, लिखो बेटा टाइप ऑफ एरर। टाइप ऑफ एरर टाइप ऑफ एरर
सबसे पहले लिखो क्लेरिकल एरर, क्लेरिकल एरर। These error because of mistake committed in ordinary course. Ordinary course of the accounting work. These error, बाद में करो बेटा। These error three types. Number one, error of omission. Error of commission. Compensatory error. Compensating error या compensatory error भी बोल सकते हैं इसको। डिफाइन करते हैं बेटा सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन। इफ ए ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली और partially omitted from the books partially omitted भूल गए बेटा omitted books of accounts it will be a case of omission example it a office of the office बट लेजर में पोस्टिंग करना भूल गए तो भी क्या है ओमिशन है। कुछ काम कर दिया कुछ पेंडिंग है तो क्या है पार्शियल ओमिशन है और बिल्कुल भी नहीं किया है तो क्या है बेटा कंप्लीटली ओमिशन है। ठीक है नेक्स्ट लिखो Error of commission if an amount but I note kare yahan se if an amount is posted in wrong account
रिटन ऑन द रोंग साइड और टोटल आर रोंग। और ए रोंग बैलेंस it will be case of errors of commission। आपने किसी लेजर का गलत टोटल लगा दिया, कोई गलत अमाउंट लिख दी, या आपने डेबिट का टोटल किया बेटा 5 लाख, क्रेडिट का टोटल किया 150, बैलेंस कितना आएगा 350, और गलती से लिख दी आपने 450। मतलब कोई ना कोई किस में गलती है, अमाउंट में गलती है, किसी ना किसी किस में गलती है बेटा, अमाउंट में। तो क्या कहलाएगी, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर वो लिख लिया सभी ने, एक दो बच्चे लिख रहे हैं। इफ द बोल रहा हूं लिख लो, इफ द इफेक्ट ऑफ एरर्स कमिटेड कैंसल आउट। The error will be called compensating error। The trial balance will agree suppose an amount of ₹10 received from Ram not credit to his account and total of the sales book is ₹100 excess लिखा गया बस।
एग्जाम्पल ये दिया है, मेरे वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि रेंट दिया और सैलरी पे की, समझ में बात। इसमें ये लिखा है इसने कि आपने ए से 10 रुपये रिसीव किए, क्या किया बेटा 10 रुपये रिसीव किए, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी ए, है ना। चलो अब इसमें को बोलता है रिसीव फ्रॉम राम इज नॉट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, मतलब आपने राम से रुपये रिसीव किए उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए, मतलब सीआर नहीं किए बेटा। तो सीआर साइड में जब 10 रुपये नहीं लिखे तो सीआर साइड का टोटल 10 रुपये क्या आएगा, कम आएगा। वाओ कौन सा स्कूल बड़ा है, 100 रुपये क्या आएगा कम, चिन्नी कम, आई बात समझे, क्या आएगा बेटा कम आएगा। सीआर साइड का टोटल 10 रुपये कम आएगा तो आपका ट्रायल एग्री नहीं करेगा, एग्री का मतलब मैच नहीं करेगा, आपका ट्रायल मैच नहीं करेगा, ठीक है। आपने क्या किया, एक तो ये एरर की उसके अकाउंट में सीआर नहीं किया, आपने दूसरी एरर और की, क्या बेटा तेरा सुनना, एंड टोटल ऑफ द सेल्स बुक इज ₹10 इन एक्सेस, और आपने सेल्स बुक का टोटल 10 रुपये ज्यादा लगा दिया। सेल्स क्या होती है, अरे बोलो सी ए कर रहे हो यार, क्या होती है, क्रेडिट होती है। अच्छा आपने उसका टोटल 10 रुपये ज्यादा लगा दिया तो बताओ अब सेल्स बुक का टोटल 10 रुपये इंक्रीज हो गया, सेल्स क्या होती है सीआर, तो बताओ सीआर साइड कितनी इंक्रीज होगी 10, और उधर से 10 क्रेडिट होना रह गई थी, यहां पर 10 क्रेडिट ज्यादा हो गई, तो बोलो कंपनसेशन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, मतलब वहां 10 रुपये कम लिखे थे, यहां 10 रुपये आपने ज्यादा लिख दिए, तो एरर का इफेक्ट क्या आएगा, जीरो, एरर नलीफाई होगी, क्या होगी नलीफाई, मतलब एरर का जो इफेक्ट था वो खत्म हो गया, 10 रुपये आपका सस्पेंस ओपन होता, लेकिन आपने क्या किया बेटा 10 एक गलती वहां की दूसरी गलती वहां कर दी, तो पहली गलती जो हुई उसको दूसरी गलती ने छुपा लिया, कंपनसेट कर दिया बेटा, इसलिए इसके क्या बोलते हैं कंपनसेटरी एरर। और कल मैंने ये भी एग्जांपल दिया था, ये भी लिख लो, मान लीजिए हमने वेजेस पे की 5000, ध्यान से सुनना एक बार सुन लो पहले, और आपने सैलरी पे की 10000, आपने इसकी एंट्री क्या करी, ध्यान से सुनना, वेजेस पे की तो आपने एंट्री करी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने 10000 लिख दिया, गलती होगी होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि वेजेस कितनी पे की आपने और लिख कितनी थी, चलो फिर आपने सैलरी की एंट्री की तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश आपने 5000 लिख दिया, बोलो ये मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक है, वेजेस 5 थी आपने 10 लिख दी, सैलरी कितनी थी 10 आपने क्या लिख दी 5, गलती तो है दोनों में। अब बताओ वेजेस क्या है, एक्सपेंस है, सैलरी भी क्या है, एक्सपेंस है, एंड वी नो वेरी वेल एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड, खर्चे हमेशा क्या होते हैं डीआर होते हैं, ठीक है। अब आपने ये वेजेस वाला एक्सपेंस 5000 क्या लिख दिया, एक्सेस लिख दिया, यहां क्या था 5, आपने कितना लिखा 10, इट मींस आपने वेजेस को रिकॉर्ड 5000 ज्यादा कर लिया, मतलब एक्सपेंस 5000 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। फिर सैलरी कितनी थी 10, आपने कितना लिखा 5, अब आपने एक्सपेंस 5000 शॉर्ट रिकॉर्ड कर लिए, कम रिकॉर्ड कर लिए, वहां ज्यादा रिकॉर्ड किए या कम रिकॉर्ड किए, बोलो इफेक्ट खत्म हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, इसको बोलते हैं कंपनसेटरी एरर, मतलब कंपनसेट हो गया, मतलब एक एरर हुई फर्स्ट, उसके बाद सेकंड एरर हुई, सेकेंड एरर ने फर्स्ट एरर को छुपा लिया, कंपनसेट कर दिया। अब सुनो लॉजिकली आपके खर्चे हुए कितने 15, तो डेबिट भी कितने होने चाहिए, तो 15, अब तो यहाँ डेबिट कितना हुआ 10, यहाँ डेबिट कितना हुआ 5, टोटल डेबिट भी कितने हुए 15, एरर है, एरर तो है, वेजी कितना होना चाहिए था 5, 10, सैलरी कितना होना चाहिए था 10, 5, 8, लेकिन टोटलिटी में एरर नहीं है, टोटल देखे तो एरर नहीं है, क्योंकि एरर दूसरी ऐसी हुई कि पहले वाली तो उसने क्या कर लिया, छुपा लिया, कंपनसेट कर दिया, तो ये होती कंपनसेटरी एरर। तो ये तीनों एरर जो है ओमिशन कमीशन कंपनसेटरी, ये किसके अंदर मानी जाती है, क्लेरिकल मिस्टेक के अंदर आती है, कोई डाउट है किसी को। अब लास्ट ये किसके पार्ट थे, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने सब बताया आपको, किसके पार्ट थे ये क्लेरिकल के, ठीक है, क्लेरिकल के थे ये। टाइप ऑफ एरर में सबसे पहले मैंने कहा क्लेरिकल एरर, क्लेरिकल एरर मतलब कोई क्लर्क है, कोई अकाउंटेंट है या कोई भी जूनियर अकाउंटेंट है, वो एंट्री कर रहा है, उससे बाय मिस्टेक फॉर गलती हो गई, भूल गया एंट्री करना, एंट्री करना ही भूल गया बेटा, ओमिशन, ओमिशन मतलब भूल गया,
कमीशन मतलब आपने एंट्री 5000 लिख रही थी, आपने 500 लिख दी, समझे, अमाउंट में मिस्टेक है। किसमें गलती है? अमाउंट में। आपने परचेज बुक का टोटल लगाया 10,000 और गलती से लिखते टाइम 9,000 लिख दिया, बोला अमाउंट में गलती होगी। आपने सेल की 1,00,000 की तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल, तो राम के अकाउंट में लिखा टू सेल, 1,00,000 सही है, और सेल में लिखेंगे बाय राम, वहां गलती से 10,000 लिख दिया। किसी भी अमाउंट में गलती है तो वो क्या बेटा? कमीशन। समझ आ गया? अर्थमेटिकली कोई गलती होगी तो क्या बेटा? वो कमीशन। और तीसरी क्या थी? कंपनसेटरी, मतलब समझ गए, मतलब एक मिस्टेक हुई, दूसरी मिस्टेक हुई, दूसरी मिस्टेक ने पहले मिस्टेक को कवर कर लिया, तो क्या है बेटा? ये तीनों ही इसके पार्ट है, क्लैरिकल एरर। मतलब ह्यूमन बीइंग से गलती हुई है, ये देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग से गलती हुई है, क्लैरिकल मिस्टेक। समझ आ गया? और लास्ट मैंने कल बहुत अच्छे समझाया था प्रिंसिपल एरर, मतलब आपने गलत प्रिंसिपल सिलेक्ट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, याद है? बहुत अच्छे से समझ, आधा घंटा लगाया था मैंने कल। तो उसमें आपको मैंने ये बताया था बेटा, गलत प्रिंसिपल का मतलब ये था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो रूटीन में होते हैं, एसेट्स को मेंटेन करने के लिए होते हैं, एसेट्स को रूटीन में होते हैं, एसेट्स को मेंटेन करने के लिए होते हैं, और वन अकाउंटिंग ईयर के लिए होते हैं, एक साल के लिए, जैसे सैलरी दिया, रेंट दिया, और एक साल के लिए होते हैं। और नंबर चार, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सभी के सभी हम पेंडल से चार्ज करते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, कमीशन, स्टेशनरी, वेजी, ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिपेयर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किससे चार्ज करते हैं? पेंडल से। चार्ज का मतलब पेंडल से लेते हैं, इधर इनकम दिखाते हैं, डेबिट में खर्चा दिखा के प्रॉफिट निकालते हैं बेटा, ठीक है। ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो रूटीन में नहीं, जो मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए होते हैं, मतलब एक साल से ज्यादा समय के लिए, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मतलब एसेट्स को बोलते हैं। समझाए बेटा? अब ये फर्नीचर मैंने कई बार एग्जांपल दिया बेटा, 10 साल हो गए यूज करते हुए, मेरे को लाया था तो पैसा लगा था 1,00,000 रुपया, खर्चा तो हुआ था, लेकिन मैंने इसको अपने क्या माना? एसेट्स माना, क्योंकि मेरे को पता था ये 10-12 साल चलेंगे, तो इसको 10-12 साल में धीरे 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 मैं इसको खर्चा मान रहा हूँ। सर मान रहे हो? हाँ, डेप्रिसिएशन डाल के। डेप्रिसिएशन भी क्या होता है? एक्सपेंस। 1,00,000 का फर्नीचर लाया मैंने, अज्यूम किया मेरे ये मेरा 10 साल चलेगा फर्नीचर, तो मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड लगा दिया, 1,00,000 लाइफ की थी, 10 / 10 कितना आया? 10,000। तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना डाल दूंगा? 10। फिर मैं उधर बैलेंस शीट में दिखूंगा, फर्नीचर 1,00,000 लेस डेप्रिसिएशन कितना? 10। बैलेंस कितना आएगा? 90। अगली बार फिर 10 डालूंगा, फिर 80 बच जाएगा। तो एसेट्स होते हैं ना, वो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, लेकिन बच्चे पूछते बताओ फर्नीचर क्या एसेट्स है या एक्सपेंस? बच्चा कहता है एसेट्स है, बिल्कुल एसेट्स है। और एसेट्स में ये कौन सा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पैसा तो इसमें भी जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं बेटा जो मोर देन वन अकाउंटिंग के लिए होते हैं, जिसके खर्च करने से एसेट्स की लाइफ क्या होती है? बढ़ती है। एसेट्स की लाइफ क्या करती है? बढ़ती है, या उसकी कैपेसिटी। समझा गया? अब मैंने कहा था कोई मशीन, उसमें ऐसा टूल या इक्विपमेंट लगाया आपने, वो 1 घंटे में 10 यूनिट बनाती थी, और अब 1 घंटे में 15 यूनिट बनाएगी, तो अब जो इक्विपमेंट या जो भी खर्चा किया ना, वो आप रिपेयर मत मान लेना, उससे एसेट्स की एफिशिएंसी बढ़ी है, कैपेसिटी बढ़ी है, तो उसको अपने एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करेंगे। और ये भी था, एसेट्स को इंस्टॉल करने तक के सारे खर्चे एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होते हैं। बोलो बात समझाएंगे? एसेट्स की कॉस्ट में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। क्लियर है ये बात? बोलो बेटा। तो अब एसेट्स बता दी और एक्सपेंस बता दिए। जो एक्सपेंस होते हैं पेंडल वाले, उनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो बैलेंस शीट के एसेट्स होती है उनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब प्रिंसिपल एरर में ये होता है कि आपने गलत प्रिंसिपल सेलेक्ट कर लिया, मतलब आपने रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया और कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया। एक बात बताऊं, एक्सपेंस भी क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। क्या होते हैं? और एसेट्स भी क्या होती है? बात समझ आ गई? लेकिन आपने मशीन इंस्टॉल करने के लिए 5,000 रुपये वेजेस पे की, तो एंट्री आपने की वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, गलत हो गया।
आप मशीन को इंस्टॉल कराओ, रेडी टू यूज करने तक जो खर्चे होते हैं वो मशीन की कॉस्ट में क्या होते हैं ऐड। मतलब आपने वेजी ना मान के क्या माना था, मशीन को एडीआर करना था, तो आपने एंटी कर दी, वेजेस टू कैश नहीं करना था, मशीन टू कैश करना था, तो आपने वेजेस को डीआर कर दिया, आपने एज एक्सपेंस ट्रीट कर लिया उसको, आपने क्या ट्रीट कर लिया और क्या ट्रीट करना था एज एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया और मानना क्या था कैपिटल, तो आपने गलत सिद्धांत सिलेक्ट कर लिया, गलत प्रिंसिपल सिलेक्ट कर लिया, तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एरर। कल भी समझाई थी, लिखो फटाफट। तुषार कंटिन्यूअली बोलता बेटा, तो मजाक नहीं कर, बुरा मत मान, रहने मेरे को ना छेड़ जख्मानो। प्रिंसिपल एरर, जितनी तेरी उम्र है बेटा उतना टाइम हो गया बढ़ाते हुए, मेरे को नहीं करना मेरे को चेक, दिल भी याद रख के पूछ, पता लग जाएगा अगर दिल है तो, अगर दिल कहीं और है तो फिर पता नहीं। When a transaction is, धीरे धीरे आपको लग नहीं रहा बैक आ रहा है, साउंड आ रही है, जैसे उसमें घर पे जो लगाते ना साउंड कीर्तन में, तर 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 की आवाज आती रहती है, नहीं लग रहा क्लास में आ रही है, फिर हो रहा है किसी को, तुषार चेक कर बेटा कौन बोल रहा है, तुषार अब चेक करके बताना कौन बोल रहा है, बंद हो गया तो सर ध्यान रखना बेटा, कोई नहीं बोलेगा फिर, तो सर मॉनिटर है क्लास का है बेटा, दूसरा बदमीज बोला आपकी बात, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ, कॉन्ट्रावेंशन वाले सोचते हो नहीं समझते, जो तुम रोज करते हो, उल्लंघन करना किसी चीज का, नहीं मानना, आप कुछ और बता रहे थे, ऐसे नहीं बताते बेटा, कॉन्ट्रावेंशन किसी चीज का मतलब जो रूल रेगुलेशन उसको फॉलो नहीं करते, रेड लाइट है क्या करना चाहिए, सर रेड लाइट है इसका मतलब बाइक को और तेज करके निकालना चाहिए, दैट इज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ट्रैफिक रूल, आपने ट्रैफिक रूल का क्या किया, उल्लंघन किया, उनको तोड़ा है, दैट इज कॉन्ट्रावेंशन बेटा, इसको कॉन्ट्रावेंशन उल्लंघन रूल ब्रेक करना बेटा, नॉन कंप्लायंस, ओ बाबू नॉन कंप्लायंस, व्हेन ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बहुत अच्छी लाइन है ये, देखो ये कह रहे हैं बिल्कुल एक लाइन में आंसर क्लियर हो गया, व्हेन ए ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन जैसे आपने गुड्स परचेज किए, दैट इज ट्रांजेक्शन, परचेज किए क्या आएंगे गुड्स, क्या दोगे पैसे, आपने क्या लिए गुड्स, क्या दिया पैसा, जो लिया और दिया इसको क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन, लेना और देना ये क्या है ट्रांजेक्शन, व्हेन ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड, अब ट्रांजेक्शन हुई, ट्रांजेक्शन हुई बेटा, अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन होती है, लेन देन होता है, फिर उस ट्रांजेक्शन को हम लिखते हैं, हमने ऐसे नहीं बोलते लिख रहा हूं मैं, हम बोलते हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड कैसे करते हैं ट्रांजेक्शन को, एंट्री डालकर, एंट्री क्या है अकाउंटिंग की लैंग्वेज है, जर्नल एंट्री जो है वो अकाउंटिंग क्या है लैंग्वेज, जैसे आपकी लैंग्वेज होती है पंजाबी हिंदी इंग्लिश तमिल मराठी गुजराती तेलुगु कन्नड़ हरियाणवी, अरे बोलो ये लैंग्वेज होती है, तो ये सेम जर्नल एंट्री इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, अगर किसी को अकाउंटिंग समझानी है तो क्या डाल के समझाओगे, जर्नल एंट्री डाल के समझाओगे, कोई डाउट है क्या, चलिए तो कहता हूं व्हेन ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड, हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया इन कॉन्ट्रावेंशन, अंडरलाइन कर लेना ये वर्ड आना चाहिए, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आपने प्रिंसिपल्स को फॉलो ही नहीं किया, पूजा पाठ करते ना
उसके कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, पंडित जी अपनाते हैं, आप उन रूल और रेगुलेशन को फॉलो ही नहीं करते, मंदिर में चल जाते हो जूते पहने हुए, चलो जी स्नान किया नहीं हुआ, कहता 2 दिन पहले किया ना था। अरे बोलो, कई होते टूटने के बाद हाथ धो के छीटे मार लेते नहा लिया, तो भगवान को पुरुष बना रहा था, किस किस को बनाएगा? वो क्या कर रहा है मंदिर में, जो रूल और रेगुलेशन उसको फॉलो, कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है। आगे बात चलिए, मैंने ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल के जो सिद्धांत है बेटा कुछ उनको फॉलो नहीं कर रहे, उनका उल्लंघन कर रहे हो, उनको तोड़ रहे, उनको ब्रेक कर रहे हो बेटा आप, ठीक है। लाइक ट्रीटिंग द परचेज ऑफ एन एसेट्स एज एन आपने एसेट्स परचेज की, परचेज ऑफ एन एसेट्स एज एन एक्सपेंस, आपने एसेट्स परचेज की और उसको क्या मान लिया, एक्सपेंस मान लिया। आप एसेट्स परचेज की तो उसको क्या मान लो, एसेट्स मान लो, और इसको टेक्निकल कैसे बोलेंगे, आपने एसेट्स परचेज की मतलब उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लो, और आप क्या मान रहे हो, एक्सपेंस मान रहे हो, मतलब ट्रेडिंग पेंडल की आइटम मान रहे हो, तो आप रेवेन्यू मान रहे हो, तो प्रिंसिपल क्या कर रहे हो, गलत फॉलो कर रहे हो। एज एन एक्सपेंस इट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, इन दिस केस देयर इज नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस सिंस द अमाउंट Since the amount are placed on correct side, so in a wrong account. The trial balance will still agree when a When a transaction is recorded in contravention of accounting principle, आप कोई ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो और बिना अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किए हुए या अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कॉन्ट्रावेंशन करके, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एरर बोलते हैं। बोलो बात समझ आ गई। लाइक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया, कैपिटल, कैपिटल को क्या मान लिया, रेवेन्यू, ठीक है। अब एग्जाम्पल लाइक ट्रीटिंग द परचेज ऑफ एन एसेट्स, आपने एसेट्स खरीदी तो आपको एसेट्स को क्या मानना चाहिए था, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट्स को एसेट मानना चाहिए था, एज एन एक्सपेंस, और आपने उसको क्या मान लिया, एक्सपेंस मान लिया। समझ आ गया, मतलब एक्सपेंस का मतलब क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, एक्सपेंस का मतलब आपने क्या मान लिया बेटा, लिख लो रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया, और एसेट्स मतलब क्या माना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना था, एसेट्स का मतलब क्या माना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना था, एक्सपेंस का मतलब क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया।
एक्सपेंस के साथ ब्रैकेट में लिख लो रेवेन्यू, और एसेट्स के सॉरी एसेट्स के ब्रैकेट में लिख लो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंस के ब्रैकेट में लिख लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लिख ले बेटा, यहां तो कोई डाउट है क्या? बोलो पक्का क्लियर है सभी के? अब कहता है इन दिस केस देयर इज नो इफेक्ट ऑन ट्रायल, कहता है इस गलती से आपके ट्रायल में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रीजन बता देता हूं क्यों नहीं पड़ेगा। आपने मान लीजिए एसेट्स खरीदी, ठीक है, आपने एंट्री करनी थी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश 1,00,000 रुपए, एसेट डीआर कितनी करनी थी 1,00,000, डेबिट करना था ना, अच्छा डेबिट 1,00,000 होना था और कैश कितना गया 1,00,000, तो क्रेडिट भी कितना होना था 1,00,000। आपने एसेट्स की जगह लिख दिया रेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस मान लिया रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट कितना गया 1,00,000, क्रेडिट भी कितना हुआ 1,00,000, तो दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। लॉजिकली आपने गलत प्रिंसिपल फॉलो कर दिया क्या नहीं कर दिया, तो इससे बेटा होगा क्या, डीआर भी सही हो गया 1,00,000 और सीआर भी सही हो गया 1,00,000। अब ट्रायल कब इफेक्ट कर, ट्रायल इफेक्ट नहीं होगा बोला, ट्रायल मैच करेगा आपका, मैच करेगा बेटा, यही कह रहा हूं मैं। नो सर है, यस सर, ध्यान से सुन, ट्रायल क्या करेगा, मैच करेगा, क्योंकि आपने डीआर भी कितना करना था 1,00,000, सीआर भी कितना करना था 1,00,000, मैच क्यों नहीं करेगा, करेगा। आपने नाम गलत लिख दिया, प्रिंसिपल रॉन्ग है आपका। आपको मान लीजिए 10,00,000 रुपए चाहिए आपको फैमिली में किसी व्यक्ति को ऑपरेशन के लिए, उसके पेरेंट्स बीमार है मान लो, अब वो 10,00,000 रुपए आपने अरेंज करके लाया, कहीं से उधार लाया, गोल्ड बेच के लाया, लोन लेके लाया, रिलेटिव से लेके आया, अरेंज कर दिया, यस, इलाज करा दिया, बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। 10,00,000 चाहिए तो कुछ नहीं मिला, उसने चोरी की और वो 10,00,000 रुपए लेके आया, अरेंज तो अब भी हो गए बेटा, अब भी जान बच जाएगी, अब भी ऑपरेशन वैसे होगा जैसे पहले हुआ था, लेकिन अब की बार जो चोरी करके लाया वो प्रिंसिपल क्या है, गलत है। दोनों ही केस में 10,00,000 रुपए का अरेंजमेंट हो रहा है, ये मैंने अकाउंटिंग से बाहर जाके एग्जांपल दिया आपको, दोनों ही केस में अरेंजमेंट हो रही है, ट्रीटमेंट हो रहा है, इलाज हो रहा है, पेशेंट बच रहा है, बट पहले वाला प्रिंसिपल क्या था, सही था, और दूसरे वाला प्रिंसिपल क्या है, गलत है। जान तो दोनों में बची है ना, यस, तो ट्रायल तो दोनों में मैच होगा, ट्रायल क्या है, जान, अरे बोलो, ट्रायल दोनों में मैच करेगा। बेटा बात को क्यों नहीं समझ पा रहे आप, कि भाई डीआर 1,00,000 होना था, आपने 1,00,000 किया, सीआर 1,00,000 होना था, 1,00,000 किया, बोलो बात समझ आएगी? हाँ, तो एक बात और निकल के आती है यहां पर, प्रिंसिपल एरर में ट्रायल इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट का मतलब ट्रायल एग्री होगा। अरे ये भी कईयों को दिक्कत आती है, इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट होगा, सुनो, इफेक्ट होगा मतलब मैच नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं होगा मतलब मैच करेगा, और इसको दूसरे तरीके से एग्री नहीं होगा मतलब मैच नहीं होगा, और एग्री होगा मतलब मैच करेगा, बोलो बात समझ आएगी? सर क्यों नहीं इफेक्ट करेगा? अरे बेटा दोनों तरफ इक्वल डाला आपने, ड्यूल एस्पेक्ट फॉलो कर लिया, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, क्यों नहीं करेगा, करेगा, अभी और बताऊंगा। हाँ कुछ डाउट पूछ बेटा, है इसको पता कैसे करते हैं, क्वेश्चन आपको बताएगा ना, इन्फॉर्मेशन देगा, वेजी पे की 10,000 रुपए मशीन इंस्टॉल करने के लिए, और आपने क्या कर लिया, रियल लाइफ में ऑडिटर किस नाम की चीज है, बिल्कुल देखता है, बस ठीक है फिर, जब तक आप ईमानदार हो जब तक नहीं पकड़े जाते, इंडिया में सारी गलती थोड़ी पकड़ी जाती है, आपने कितनी गलतियां की है घर पे पता लगा सारी, गलत बात है तो बता दो, सत्यम शिवम सुंदरम कब तक हो, जब तक पत्ते नहीं खुलते, और कई होगे खुलते, कई होगे नहीं खुलते, आगे हो गया समझ में। लिसन भी केयरफुली, बात इसकी सही थी बेटा, ये कहता है ऐसी गलती ना पता लगे तो कोई दिक्कत नहीं, पता लगे ठीक है भाई, गलती नहीं पता लगी चली गई बेटा, समझ रहे मेरी बात को, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये यही तो बता रहा हूं मैं खुश, कि एरर हमें मालूम हो गई तो हम उसे रेक्टिफाई ऐसे करेंगे, ठीक है। बहुत सी मिस्टेक्स होती है बेटा जो नहीं भी पता लगती मान लो, लेकिन आजकल सिस्टम बहुत तेज हो गया, एक्चुअल में क्या, आपने एसेट्स का वाउचर डाला बता इतना पकड़ी जाएगी, मैं तो मजाक कर रहा था अभी, लेकिन मेरी बात सही है, बहुत सी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना जो खुद ही सेठ है, खुद ही मुनीम है और खुद ही क्लर्क है, वहां ये गलती होती है, लेकिन यहाँ क्या, परचेज डिपार्टमेंट अलग है,
सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग है, एसेट्स मेंटेन करने का डिपार्टमेंट अलग है। आप एसेट्स खरीद के लाए, इनवॉइस आएगा, इनवॉइस बोले तो जिसे हम बिल बोलते हैं, इनवॉइस, ठीक है, जो चीज खरीद लाएगा उसका बिल आएगा ना, बिल आए, एसेट्स रजिस्टर में उसकी एंट्री होगी, एसेट्स का रजिस्टर होता है कि हमारे पास क्या क्या एसेट्स है बेटा, वह एंट्री होगी, एसेट्स लिख दी बेटा, फर्नीचर आया, अकाउंटेंट ने उठा के एंट्री डाल दी एक्सपेंस की, अब वो फर्नीचर ना बैलेंस शीट में नहीं आएगा, तो क्या आपने क्या मान लिया, एक्सपेंस, आपने क्या मान लिया बेटा, आपने कर दिया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, खर्चा मान लिया 1,00,000। अब ये रेंट क्या है, खर्चा, खर्चे किससे चार्ज करते हैं, पेंडल से, अब अगली एंट्री क्या करोगे, पेंडल अकाउंट डेबिट टू रेंट, कितना बेटा 1,00,000, पेंडल में क्या लिखोगे, टू रेंट, बोलो समझे, या रेंट क्या हुआ डीआर, या क्या होगा सीआर, रेंट का अकाउंट क्या होगा क्लोज, इसका बैलेंस बचा डीआर कितना 1,00,000, सीआर कितना 1,00,000, बैलेंस कितना बचा, सारे बोलो जीरो, बैलेंस नहीं बचा तो ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा, बैलेंस शीट, ये बात तो पता है कितनी बार होता हुआ, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट क्योंकि ये बैलेंस की शीट है, जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस शीट में आता है, जिसका बैलेंस नहीं बचता वो बैलेंस शीट में, इतना इजी वर्ड था कभी ध्यान नहीं किया, बैलेंस शीट, शीट का स्टेटमेंट, और बैलेंस का मतलब बचा हुआ, तो बचा हुआ बैलेंस है वो बैलेंस शीट में आएगा, इसलिए नाम क्या रखा गया, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में फर्नीचर नहीं आएगा, अब बोल बेटा फर्नीचर कहाँ गया, पकड़ में आ जाएगा, आ जाएगा, सर ना आए तो, एग्जाम्पल दिया है, आगे बस में, और सुनना, देखो आपको भी एग्जाम्पल दिया था, बैलेंस शीट में आपने फर्नीचर दिखाया 1,00,000, फिर उसमें 10,000 आपने क्या लगा दिया, डेप्रिसिएशन, तो बैलेंस कितना बचा 90 ही आएगा, अगली बार 90, फिर 10,000 लेस करोगे तो बैलेंस कितना बचा 80, याद करो, इसीलिए डेबिट को लेस करके बैलेंस दिखाते थे अपने, बोलो बात समझ आएगी, आगे बात समझ बेटा, चेक करने पर पता लगेगा बेटा, ठीक है, नहीं पता लगेगा, बिल्कुल सही है, चेक करने पर पता लगेगा, ऐसे पता लगेगा आपने वेजिस पे की मशीन को इंस्टॉल करने की 10,000 और 1,00,000 की मशीन लाए, तो टोटल आपका मशीन अकाउंट कितना डेबिट हुआ 1,10,000, आपने मशीन की वैल्यू क्या लिखी 1,10,000 और आपने एंट्री की 1,00,000 की, तो पता लग जाएगा रजिस्टर में मशीन की वैल्यू 1,10,000 लिखी हुई है और यह एंट्री 1,00,000 की है, ठीक है बेटा, कोई डाउट है क्या, चलिए, तो ये बेटा मैंने सारा जो कल की क्लास में समझाया था उसको लिखवाया भी और दोबारा से समझा भी, आगे बात समझे, यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो, पक्का नहीं है, तुषार आ गया समझ भाई, पक्का, चलिए अब अपने, वैसे तो टाइम हो गया, लोग रहे, ठीक, जय श्री कृष्ण।